नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। राज्यसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से रिजॉर्ट राजनीति शुरू हो गई। राजस्थान के 3 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को मतदान होना। इससे पहले राजस्थान की गहलोत सरकार ने निर्दलीय विधायकों समेत करीब 110 विधायकों को जयपुर के दिल्ली रोड स्थित एक रिजॉर्ट में ठहराया गया। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव इसलिए टाला था क्योंकि गुजरात और राजस्थान में विधायकों की खरीदारी पूरी नहीं हुई थी। एक तरफ जीवन बचाना है और दूसरी तरफ जीविका बचाना, आजीविका बचाना, तो दोनों काम साथ ही करें। और तीसरा ही चुनाव आ गया जो मोदी जी की कृपा से 2 महीने पहले हो जाता, 2 दिन का गैप था, क्या तुक था भाई, क्योंकि आपने खरीद फरोख्त पूरी नहीं कर पाते गुजरात में राजस्थान में, इसलिए आपने गेम प्ले किया। धजिया उड़ा दी लोकतंत्र में, आपने इलेक्शन कमीशन में दबाव देते हुए बल्कि कोर्ट में दबाव दिया, मैंने उसको कंडेम किया था। और आप देख लीजिए, आप वापस चुनाव हो रहे हैं, वही कोरोना चल रहा है, क्या तुक था आपका करने का, कोई जवाब है इनके पास में? कोई जवाब नहीं। सर, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी जी है, उन्होंने कोर्ट में पहुँच चुका है, खबर आती है, सोशल मीडिया में आती है, और जिस प्रकार खबर आ रही थी कि ये टोटली खेल खेलेंगे मध्य प्रदेश वाले, हालांकि मध्य प्रदेश के जो 22 MP गए हैं, वाली 22 MLA गए, उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। वो लोग वहाँ घुसने वाले क्षेत्र के अंदर, लोग कह रहे थे 25 करोड़ में भेजे लोग हो, किस मुँह से आए वापस, 5 साल ही भेजा हमने आपको, आप आ गए जल्दी, क्यों आए भाई? और बीजेपी वाले टिकट नहीं दे पा रहे उनको, क्योंकि वहाँ के बीजेपी खुद का कैडर है, वो कहते हम कहाँ जाएंगे, आज 200 पेज चुनाव नहीं हो रहे, वहाँ पर कैबिनेट नहीं बन पा रहा मध्य प्रदेश के अंदर। तो यही खेल यहाँ खेला जा रहा था। हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, वो समझ गए और खूब उनको बैलेंस वोट देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 BSP के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सोना नहीं होता, कोई पद का लालच नहीं, ना पहले का लालच, मिलेगा। दिल्ली राजमार्ग पर एक होटल में कांग्रेस व उसके समर्थक विधायकों की देर रात तक चली बैठक के बाद गहलोत ने कहा कि बैठक बहुत फलदायी रही और सब एकजुट होकर यहां से गए। 17 के अंदर 14 विधायक टूट गए, 14 विधायक अभी 3 टूट गए और 4 पहले टूट गए। ये देश के रोने लग गया, जिस रूप में सामने का बहुत खतरनाक खेल चल रहा देश, ऐसे लोगों को नेशनाबूद करना चाहिए, ऐसे लोगों को झटका देना चाहिए, पब्लिक सब समझ रही है, और कोई आश्चर्य आने वाले वक्त में पब्लिक खुद झटका दे देगी उनको, क्योंकि भ्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ आज की मीटिंग हमारी बहुत फ्रूटफुल रही और सब एकजुट होकर गए हैं। हमने कहा आप जाइए आराम से, कल वापस आइए और कल वापस मिलेंगे। कल हमारे वो उम्मीदवार है कृषि वेणुगोपाल जी, वो भी आएंगे और मिस्टर अविनाश पांडे भी आएंगे, जो जन सके थी कल हम फिर बैठेंगे। और मिस्टर सुरजेवाला ने कहा है कि आप लोग जो बात करना चाहिए पूरी चर्चा हुई, अच्छा रहा। गौरतलब है कि प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने। इन चुनाव के लिए कांग्रेस ने KC वेणुगोपाल और नीरज डांगी को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन आखिरी पलों में बीजेपी के ओंकार सिंह लखावत ने भी पर्चा दाखिल किया। राजस्थान की 200 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं। इनमें 6 विधायक पिछले साल बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए। इसके अलावा 13 निर्दलीय विधायकों में से 12 कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं।